वेलकम गाइस कंट्री एक्सप्लोरर आपका स्वागत करता है हमारे आज के इस नए वीडियो में तो गाइस इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं गुलमर्ग से लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है ये आपको पूरी जानकारी देगा जुलाई के महीने की जिसमें अगर आप अभी कश्मीर घूमने आ रहे हैं जुलाई के महीने में तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कश्मीर के वेदर के बारे में यहाँ के जो डेस्टिनेशंस हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे स्नो के बारे में इसके अलावा हम आपको जानकारी देंगे अमरनाथ यात्रा के बारे में जी गाइस जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो एनुअल अमरनाथ यात्रा अभी फर्स्ट जुलाई से शुरू हुई है तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखी हैं टाइमिंग रखी है जिसके दौरान आपको गुलमर्ग पहलगाम या फिर सोनमर्ग जो अगर आपने अपने आइटनरी में रखी हैं तो उस टाइमिंग में आप उन डेस्टिनेशंस को कवर कर सकते हैं तो गाइज़ ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं तो अभी जो आपके पास क्लिप्स दिखाई जा रही है ये गुलमर्ग का 360 डिग्री व्यू है यहाँ पे आप गुलमर्ग का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं चारों ओर हमने यहाँ पे ये क्लिप लिया है और ये क्लिप हमने लिया है शिव टेम्पल जो गुलमर्ग में ऊँचाई पर स्थित है तो वहाँ से हमने ये क्लिप लिया है और इस क्लिप का डेट जो है वो सेकेंड जुलाई है 2023 तो अगर आप अभी देख रहे हैं तो ऊपर में आपको अभी बर्फ़ दिखाई दे रही होगी इसका मतलब ये है कि अगर आपने गंडोला का सेकेंड फेज़ बुक करा है तो आप ऊपर में स्नो का आनंद ले सकते हैं तो गाइज कंट्री एक्सप्लोरर आपके पास लाया है एक अफोर्डेबल ट्रैवल पैकेज जिसमें आपसे केवल चौदह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये पर per पर्सन के हिसाब से चार्ज किया जाएगा इसमें आपको थ्री डेज और फोर नाइट्स का पैकेज दिया गया है जिसमें आपके होटल्स जिसमें आपके ब्रेकफास्ट और डिनर प्लस आपको एक प्राइवेट एसी कैब भी मिलती है और सभी डेस्टिनेशंस जो भी इसमें इंक्लूड है, जैसे गुलमर्ग पहलगाम श्रीनगर या फिर आप दूध भी चूज़ कर सकते हैं पहलगाम की जगह तो इन सब डेस्टिनेशंस को कवर किया जाएगा आपके साथ आपका ड्राइवर कम गाइड भी होगा तो इस पैकेज को बुक करने के लिए आप हमारे ऊपर दिए गए whatsapp नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए तो गाइज़ मेरे पीछे आप अभी देख पा रहे होंगे ये गुलमर्ग का फेमस शिव टेम्पल है इसे महारानी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है तो करीब आपको एक से दो किलोमीटर दूर है मेन गुलमर्ग मार्केट से और यहाँ आप देख सकते हैं अभी गुलमर्ग में स्नो जो है आपको फेज सेकेंड पे मिलेगी ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन पहाड़ों के पीछे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो अभी जुलाई के महीने में भी आपको मिलेगा तो इसके लिए आपको गुलमर्ग गर्नोला बुक करना पड़ेगा जिसका आप फेज़ सेकेंड अगर बुक करते हैं तो वहाँ पर आपको स्नो मिलेगा तो गाइज़ अभी जो क्लिप आप देख पा रहे होंगे ये है गुलमर्ग का मेन मार्केट या फिर गुलमर्ग का टैक्सी स्टैंड बस स्टैंड या फिर पार्किंग एरिया तो यह, यह वो जगह है जहाँ पे आपको आपकी कैब ड्रॉप करेगी और यहाँ से अगर आपको गुलमर्ग गडोला जाना है तो आप या तो पोनी से जा सकते हैं या फिर ए टी वी यहाँ से हायर कर सकते हैं या फिर यहाँ से बैटरी ऑपरेटेड जो ऑटोज़ है वो भी ऑपरेट करते हैं जो आपको गुलमर्ग गडोला तक ले जा सकते हैं तो गाइज़ अभी जो दृश्य आप देख पा रहे होंगे ये दृश्य है गुलमर्ग कंगडूरी के जी हाँ जिसे हम फेज़ वन गुलमर्ग गंडोला भी कहते हैं तो ये करीब तीन हज़ार पचास मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं गंडोला से इसके लिए आपको बुक करना होगा गुलमर्ग का टिकेट जो कि आप ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं और ये रहा आपका जो गुलमर्ग गंडोला फेज़ वन का गंडोला स्टेशन है तो उसके दृश्य है और यहाँ पे आपको स्नो नहीं मिलेगा स्नो केवल आपको फेज़ सेकेंड पे मिलेगा जिसके दृश्य हम आपको अभी दिखा रहे हैं आगे तो गाइज़ ये है गुलमर्ग का गुलमर्ग गंडोला का फेज़ सेकंड जिसे अफरबट के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ तक आपको आना पड़ेगा गुलमर्ग गडोला से तो इसके लिए आपको गुलमर्ग गडोला का फेज सेकंड भी बुक करना पड़ेगा और यहाँ पे अभी स्नो आपको मिलेगा और आप यहाँ पे स्नो स्कीइंग स्नो स्लेजिंग का आनंद ले सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे टूरिस्ट मिलेंगे तो गाइज़ ये जो डेस्टिनेशन है ये है दूध जो कि करीब 50 किलोमीटर के, के आसपास दूर है श्रीनगर से और ये अगर दूध की बात करें तो बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है अभी जैसा कि आपको मालूम होगा कि यहाँ पे अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है जिसकी वजह से पहलगाम और सोनमर्ग में जो है कट ऑफ टाइमिंग रखी गई है कि आपको दो बजे से पहले वापस आना पड़ेगा सोनमर्ग और पहलगाम से तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उनके अलावा कोई और डेस्टिनेशन चाहते हैं पहलगाम और सोनमर्ग के बगैर तो दूधपथरी जो है जिसे हम अंडर रेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन कह सकते हैं बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा ख़ूबसूरत डेस्टिनेशन है लेकिन फिर भी यहाँ पे उतने टूरिस्ट नहीं आते हैं जितने पहलगाम या फिर सोनमर्ग जाते हैं तो गाइज़ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन जो हमने इस वीडियो में कवर किया है वो है गुरेज जी हाँ गाइज़ ये जो गुरेज वैली है करीब 130 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से लेकिन यदि आप गुरेज को अपनी आइटनरी में शामिल करते हैं तो आपको मिनिमम तीन दिन का समय रखना पड़ेगा बिकॉज़ इसके लिए आपको करीब एक दिन लगता है जाने में एक दिन वहाँ से आने में और एक दिन आप रख सकते हैं वहाँ जो लोकल आप एक्सप्लोर करेंगे गुरेज वैली या तुलेल वैली या फिर दूसरी जगह तो वहाँ के लिए आपको मिनिमम एक दिन रखना पड़ेगा तो टोटल थ्री डेज का समय लग सकता है गुरेज में तो यहाँ पे आपको स्नो मिलेगा जो कि यहाँ पे राजदान टॉप है वहाँ आपको स्नो मिलेगा तो गैज़ अभी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप देख रहे हैं ये है पहलगाम और अगर हम पहलगाम की बात करें जुलाई के महीने की तो यहाँ पे अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है इसकी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है एक कट ऑफ टाइम रखा है दो बजे का उसका मतलब ये है कि आप अगर एक डे प्रोग्राम रखते हैं पहलगाम का तो वो काफ़ी टाइट होने जा रहा है बिकॉज आपको मॉर्निंग में जल्दी निकलना पड़ेगा श्रीनगर से और फिर पहलगाम से दो बजे से पहले पहले वापस भी जाना पड़ेगा तो गाइज़ अभी जो आप देख रहे हैं ये है बेताब वैली जो कि बहुत ही इम्पॉटेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पहलगाम की और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्पॉट है वो है आडू वैली और अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं यह है आडू वैली के और यहाँ का जो तापमान है बहुत ही ठंडा रहता है और कभी भी यहाँ पे बारिश हो सकती है इसकी वजह से हमेशा हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कि आप अपने साथ जो है कपड़े जैकेट्स वगैरह वूलन हमेशा साथ रखें यहाँ का मौसम कभी भी चेंज हो सकता है तो गाइज़ नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो अभी आप देख रहे हैं ये है सोनमर्ग और सोनमर्ग की बात करें तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने अभी कट ऑफ टाइम रखा है दो बजे का इसका मतलब ये है कि अगर आप सोनमर्ग का भी डे प्रोग्राम बना रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइट होने जा रहा है आपका विजिट आपको सुबह सवेरे निकलना पड़ेगा श्रीनगर से और फिर दो बजे तक आपको अपना पूरा ट्रिप कम्प्लीट करके सोनमर्ग से वापस बढ़ना पड़ेगा श्रीनगर की ओर तो गाइज़ यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम अच्छे से एक्सप्लोर करें पहलगाम और सोनमर्ग को तो आपको शायद नाइट स्टे का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और आपको मॉर्निंग में अर्ली भी निकलना पड़ेगा श्रीनगर से तो गाइज़ लास्ट डेस्टिनेशन जो हमने इंक्लूड किया है इस वीडियो में वो है श्रीनगर और ये है श्रीनगर का डल लेक इसके अलावा हमने कवर किया है जो मुगल गार्डन्स है श्रीनगर के जिनमें शालीमार और निषाद गार्डन्स हैं तो इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने श्रीनगर ट्रिप में इसके अलावा आप यहाँ का जो निगिन लेक है वो देख सकते हैं टुलिप गार्डन जो कि खाली मार्च एंड तक ओपन रहता है दैट मीन्स खाली एक महीने के लिए ही ओपन रहता है इसके अलावा आप जा सकते हैं शंकराचार्य टेम्पल जो कि डल लेक के किनारे पे ही स्थित है पर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर फिज़िकली फिट हैं तो आप जा सकते हैं शंकराचार्य टेम्पल तक तो गाइज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर